नमस्कार, आप देख रहे हैं पुलिस वाला वेब न्यूज। मैं हूं आपके साथ हर्षिता। आपको बता दें, घटना कटरा धारताल थाना क्षेत्र की है, जहां आशु के माता पिता ने थाना धारताल में लगभग 11 महीने पहले से रिपोर्ट दर्ज कराई हुई है। वहीं परिवार वालों का आरोप है कि समूह में लोन की किस्त लेने वाला भानु प्रताप बेला फुसलाकर हमारी बच्ची को ले गया है। भानु प्रताप सिलेमराबाद और हरियाणा के रहने वाला बताया जा रहा है। हमारी लड़की आशु अभी नाबालिग है, जिसकी कोर्ट मैरिज करवा दी गई। साथ ही लड़की के परिजनों ने आधार ताल थाने के उपनिरीक्षक पर आरोप लगाए हैं कि आशु की लापता होने की रिपोर्ट को पूरा 1 साल होने को है, पुलिस सिर्फ सहानुभूति के अलावा कार्यवाही कुछ भी नहीं की। आकर सवाल ये उठता है कि न्याय की दहलीज पर बैठे कानून से न्याय की क्या उम्मीद जताना गरीबों के लिए पाप है, जिन्हें सिर्फ थाना चौकी की कार्यवाही के नाम पर चक्कर कटवाए जाते हैं। वहीं यदि किसी बिजनेसमैन या उद्योगपति का कुत्ता भी खो जाए तो पूरे जिले की पुलिस पीछे लग जाती है। हाँ भाई, आखिर लड़की ही लापता हुई है, वो भी एक आदमी की होगी। कार्रवाई कब होगी ये देखना बाकी है। जी बताएं। जी, हमारी बच्ची 17 साल की, आज 1 साल हो रहा है गायब हुए। आधारताल थाने में इसकी FIR है। समत खान इसका इंचार्ज है, जो बिल्कुल ढीला काम कर रहा है। अभी तक मेरी बच्ची का पता नहीं लगा पाया है। मैं बच्ची आपकी? बच्ची को आज 1 साल हो गया गए, 14 तारीख को 1 साल हो जाएगा। किसके द्वारा गई, कहाँ गई, कुछ जानकारी? ये हमारे घर पर समूह लोन चलता था, तो वो L&T फाइनेंस कंपनी में सर था, किस्त लेने आता था समूह की श्रीमती के पास। उस बीच लड़की से अब कैसे ताल्लुकात हुआ मुझे नहीं मालूम, कैसे उससे बात हुई। नाम उसका भानु प्रताप है, हरियाणा का रहने वाला है, ननिहाल उसका यहाँ सलीमनाबाद में है। गया इसकी शिकायत अपन ने की थी आधारताल थाने पे, तो अपन ने इसी के नाम की भानु प्रताप नाम की। फिर इसके नाना के यहाँ भी गया हूँ मैं, बातचीत की, थाने में भी सब पूरी इन्फॉर्मेशन दी अपन ने। और अभी जो लोकेशन निकल कर आई है, मदन दीक्षित गोविंदम गोपालम होटल ITI वाले के होटल में वो रहता था, रहवास था उसका वहाँ पर। और ये सब कराया गोविंदम गोपालम होटल वाले का है, मदन दीक्षित प्रोपराइटर उसका होटल का। उसके द्वारा पूरा षड्यंत्र रचा गया हमारे घर पे, मुझे पता भी नहीं चल पाया। और षड्यंत्र द्वारा ही लड़की गायब की गई हमारी। हमारा नाम मोहम्मद यूनुस है, हम अहमदनगर कटरा आधारताल जबलपुर। हम आसिया उर्फ आसू की माँ हैं। हमारी बच्ची का 11 महीने से कुछ पता नहीं चल रहा, थाने से कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, पुलिस वाले कोई मतलब कुछ कर नहीं रहे हैं। कहाँ गई, किसके द्वारा गई, कोई जानकारी है? हमारे घर में आता जाता रहा। कौन आता रहता? समूह किस्त लेने। नाम बताना, क्या नाम है? भानु प्रताप। कहाँ का रहने वाला है? ये सलीमनाबाद, यहाँ रहता रहा, ITI पाटन रोड, मदन दीक्षित के मकान में। इसकी शिकायत हमने आधारताल थाने में करे, समत के पास ये केस है। वो समत के पास जब जाते हैं हम लोग, जब कहता कि हाँ कार्रवाई हो रही। कौन सा थाना है? आधारताल थाना जी। समत कौन है? समत ये SI हैं, उसके हाथ में फाइल है। क्या नाम है आपका? हमारा शबनम उर्फ आलिया। हमारी बच्ची का 11 महीना 10 दिन बचा है 1 साल होने को, कुछ हमारी बच्ची का पता नहीं चल रहा। हम आधारताल कटरा। कितनी बड़ी थी बच्ची? 17 साल की हमारी बच्ची रही।